सागर जिले में 24 घंटे के अंदर दूसरा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। देवरी थाना क्षेत्र के कोपरा में एक ही परिवार की चार महिलाओं की डेड बॉडी कुएं में मिली है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माय RTO बीमा सहित 4,000 रूपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब 77,500 रूपए में। आज ही अब हीरो HF डेलक्स खरीदे। इस घटना की खबर फैलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने इनको बाहर निकाला। इसमें देवरानी, जेठानी, नानी और नातिन शामिल है। देवरी SDOP शशिकांत सरयाम ने बताया कि महिलाओं की पहचान भारती लोधी, आरती लोधी, भागवती लोधी और रोमिका लोधी के रूप में हुई है। इनमें भारती और आरती देवरानी जेठानी है, वहीं नानी भागवती लोधी और नातिन रोमिका लोधी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कारण स्पष्ट हो सकेगा। यहाँ पे कोपरा गाँव में तीन महिला आरती, भारती और भागवती और उनकी जो बेटी है रोमिका, उनका कुएं में शव मिला है। तो इसमें पुलिस द्वारा जो है मौके पर कार्रवाई कर सब पंचायतनामा कार्रवाई की गई और PM कराया जाता है। सब प्रथम दृष्टया क्या मामला निकल के सामने आ रहा है, कैसे ये घटनाक्रम हुआ? अब ये जो जांच का विषय, इसमें PM कराया जाएगा और आय तथ्य अनुसार कार्रवाई की। परिवार के सुरेंद्र लोधी ने बताया कि करीब एक साल पहले सोनू लोधी के पत्नी ने जहर खा लिया था, जिससे उनकी जान चली गई थी। उसी मामले में पुलिस ने परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मृतक भारती और आरती के पति जेल में है। सोनू की पत्नी के परिवार वाले आए दिन घर आकर गाली गलौज करते थे। शुक्रवार शाम भी कुछ लोगों ने आकर विवाद किया था, वह लगातार परेशान कर रहे थे। हमारी भाभी है और एक हमारी नानी और एक हमारी भतीजी, वो एक छोटे भाई हैं जो सोनू लोधी, उनकी पत्नी नवविवाहिता थी, वो जहर खा के मर गई थी। झूठा केस दर्ज कर दिया था इन लोगों पर, और दो भाई भी हमारे सोनू लोधी फलोरी लोधी जेल में। झूठा केस किया पर उनको मनाने गए, लेकिन नकली आगे दिन से ही उनको मारपीट की बहुत ज़्यादा। और हर दिन यहाँ आते हैं, एक कोपरा में उनका साड़ू भी है, वो भी गाली गलौज करता रहता है, जब हर एक दो दिन में आता है। और वहाँ बुलाते हैं कि आई नम आओ कर ले, हम लोग को वहाँ बुला के किसी आज कोई काम भी नहीं कर पा रहे, वहाँ जाते हैं और वो मिलते नहीं हैं। और यहाँ 8 बजे हमारे बड़े वो भाई हैं किशोर लोधी, उन्होंने फ़ोन किया, हम गांव पर रुकते हैं, ऐसा हो गया तो हमने सरपंच को सूचना दी। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र लोधी। इसके पहले गढ़ा कोटा में भी एक दिन पहले ऐसा मामला सामने आया था, जहां एक मां ने अपने बेटे के साथ जान दे दी थी। बेटी की हालत नाजुक है। सेल्फ स्टार्ट माय RTO बीमा सहित 4,000 रूपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब 77,500 रूपए में। आज ही अब हीरो HF डेलक्स खरीदे।